नमस्कार, गुट्टी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेडी सॉक्स 5 नंबर का एक और वीडियो लेकर आई हूँ। इस सॉक्स को मैंने यहाँ से शुरू करते हुए, बिल्कुल यहाँ से शुरू करते हुए, पहले यहाँ से दोनों साइड से फंदे बढ़ाते हुए नीचे की तरफ लेकर आई हूँ, और फिर उसके बाद मैंने इसके पैर, अंगूठे और उंगली की शेप देते हुए नीचे का मैंने इसका तल्ला बनाया है, और हल्की सी यहाँ से मैंने एड़ी की शेप भी दी है, और इसकी जो अंगूठे की लंबाई है वो बिल्कुल प्रॉपर लंबाई है। ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल इतनी सी लंबाई दी हो और चप्पल पहनने के बाद आप उसको जबरदस्ती ऊपर करें, इतनी हमारी अंगूठे की लंबाई है। और इस जिस तरीके से मैंने अंगूठे की शेप और उंगलियों की शेप बनाई है, एक तो ये इसमें ऊन कम लगती है, और दूसरा ये ऊन कम लगने की वजह से जल्दी बनता है। इसको बनाने के लिए मैंने ओसवाल की ऊन का इस्तेमाल किया है। ये ओसवाल की वूल है, ओसवाल की जेंस वूल है। इसमें कई तरह के कलर्स मिल जाएंगे आपको, और इसका शेड नंबर 14 है और डाई लॉट नंबर 5 है। इसको मैंने अपने 10 नंबर की सिलाई पर बनाया है, और इसे बनने में जो वूल लगी है केवल 55 ग्राम ऊन लगी है, और इसमें मैंने केवल सीधे और उल्टे फंदों का प्रयोग किया है, बॉर्डर बनाते हुए बनाई है। अगर आपको केवल सीधा और उल्टा बनाना आता हो तो भी आप बहुत आसानी से इस जुराब को बना सकते हो। इस जुराब की जो एंकल बनकर आती है वो बहुत अच्छी और बहुत ऊंची आप बनकर आती है, आपके सारे पैर को ये जुराब कवर करती है। तो आइए अब हम अपनी सॉक्स बनाना शुरू करते हैं। सॉक्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक सॉक्स बना रखी है, एक सॉक्स पूरी की पूरी मैं आपके सामने बनाऊंगी। सॉक्स बनाने के लिए 10 नंबर की सिलाई पर हमको फंदे डालने हैं। धागे को डबल करने के बाद एक हल्की सी नॉट लगा लेंगे, और फंदे हम बिल्कुल सिंपल तरीके के डालेंगे। बस इसी तरीके से फंदे डालते हुए हम अपनी सिलाई में 48 फंदे डालेंगे। तो पहले मैं 48 फंदे डाल लेती हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी सिलाई में 48 फंदे डालने हैं, और आधे आधे करके 24 फंदे इधर हैं, 24 फंदे इधर हैं, सेंटर में मैंने एक मार्कर लगाया है। एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, बस एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बनाते हुए हमको अपने इस मार्कर से दो फंदे पहले तक सारा का सारा इसी तरीके से बनाना है। यहां तक बनाने के बाद ये दो फंदे मार्कर के आगे के और दो फंदे मार्कर के बाद के, यानी चार फंदे सेंटर के हम सीधे बनाएंगे। सीधी साइड से सीधे आएंगे, सीधी साइड से सीधे आएंगे, और उल्टी साइड से ये फंदे हमारे उल्टे आएंगे। और जब हम आगे वाली आधी सिलाई बनाएंगे तो उसमें पहला फंदा हम उल्टा बनाएंगे और दूसरा फंदा हम सीधा बनाएंगे। एक फंदा उल्टा
और एक फंदा सीधा बनाते हुए पहले हम ये रो सारे के सारे कंप्लीट करेंगे। इसमें हमारा आखिर का फंदा सीधा आएगा। आखिर का फंदा भी सीधा है और शुरुआत का फंदा भी सीधा है, ये हमारी सीधी साइड से है। और रॉन्ग साइड से पहला फंदा भी उल्टा आएगा और आखिर का फंदा भी हमारा उल्टा ही आएगा। पहला फंदा बिना बुने उतार लेंगे, एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा बनाते हुए पहले हम सेंटर के दो फंदे रहने तक सारी सिलाई इसी तरीके से बनाएंगे। सेंटर के दो फंदे मार्कर के दो फंदे इधर और दो फंदे इधर, चार फंदे हम उल्टे बनाएंगे। और यहां से एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बनाते हुए पहले ये रो हम कंप्लीट करेंगे। रो नंबर दो तक हमने कंप्लीट कर लिया है, अब हम रो नंबर तीन बना रहे हैं। पहला फंदा किनारे का, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बनाते हुए पहले हम मार्कर से दो फंदे आगे तक कंप्लीट करेंगे, फिर हम इसके आगे बनाएंगे। यहां तक हमने बना लिया दो फंदे रहने तक। अब हम यहां पर एक फंदे को बढ़ाएंगे, दो फंदे सीधे, मार्कर अपनी सिलाई पर लेकर फिर से दो फंदे सीधे, यानी चार फंदे सीधे सेंटर के बनाने के बाद यहां पर हम फिर से अपना एक फंदा बढ़ा लेंगे। हमेशा इन चार फंदों के दोनों साइड हमको एक एक फंदा सीधी साइड से लगातार बढ़ाना है। अब ये फंदा सीधा और ये फंदा उल्टा, इसी तरह से बनाते हुए पहले हम रो नंबर तीन कंप्लीट करेंगे और रो नंबर चार भी यहां तक बना लो, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। रॉन्ग साइड से रो नंबर चार, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बनाने के बाद ये सेंटर के चार फंदे उल्टे बनाएंगे। और यहां से अपने डिजाइन को देखते हुए एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा और एक उल्टा, बनाते हुए पहले मैं रो नंबर चार कंप्लीट कर लूं और वापसी भी रो नंबर पांच तक बना लूं, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। सीधी साइड से रो नंबर पांच, एक सीधा, एक उल्टा और फिर से एक सीधा बनाने के बाद इन दो फंदों से पहले हम अपना एक फंदा बढ़ा लेंगे। सेंटर के चार फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, और इस तरफ भी हम अपने एक फंदे को बढ़ाएंगे और अपने डिजाइन को देखते हुए एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा बनाते हुए पहले रो नंबर पांच कंप्लीट करेंगे और रो नंबर छह भी मैं यहां तक बना लूं, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। रो नंबर छह हमने यहां तक बना ली है, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा बनाने के बाद सेंटर के हमारे चार फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, और अपने डिजाइन को देखते हुए एक सीधा, एक उल्टा और एक फंदा हमारा सीधा, सीधा
उल्टा और सीधा। इसी तरह से बनाते हुए हम अपनी रो नंबर 6 कंप्लीट करेंगे। रो नंबर 6 हमने कंप्लीट कर ली है और 2 फंदे बढ़ा लिए हैं और रो नंबर 3, 4, 5 और 6 को लगातार बनाते हुए हम यहाँ पर दोनों साइड 17 फंदे बनाएंगे। 2 फंदे मैंने बना लिए हैं, 2 फंदे इधर हैं, 2 फंदे इधर हैं, टोटल फंदे 15 अभी हमें और बनाने हैं। इसी तरीके से बनाते हुए पहले मैं दोनों साइड 17 फंदे बना लूं, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। यहाँ पर मैंने 17 बार अपने फंदों को बढ़ा लिया है और इस समय मेरे पास सिलाई में 41 स्टिचेस इधर हैं, 41 स्टिचेस इधर हैं और सेंटर में मैंने एक मार्कर लगाया है। इसके ऊपर अब हमको आखिर की 26 सिलाई बनानी है। जो 26 सिलाई बनानी है वो एक बार फर्स्ट हाफ की बनाएंगे और फिर उसके बाद हम सेकंड हाफ को लेकर बनाएंगे। सबसे पहले हम बनाने का तरीका हमारा बिल्कुल सेम है, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बनाते हुए सबसे पहले हम अपने इन 2 फंदों को छोड़ने तक सारी सिलाई कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमने अपने 2 फंदे छोड़ने तक सारी सिलाई एक सीधे और एक उल्टे की बना रही है। बिल्कुल पहले की तरह ही एक फंदे को बढ़ाएंगे और 2 फंदे सीधे बना लेंगे। ये हमने लास्ट की 26 रो कंप्लीट कर ली। अब हम यहीं से वापसी होंगे, 2 फंदे उल्टे, 1, 2 और अपने डिजाइन को पहले की तरह एक सीधा एक उल्टा और एक सीधा बिल्कुल देखते हुए अपनी लास्ट की 25 रो कंप्लीट करेंगे। ये रो कंप्लीट करेंगे और वापसी भी यहीं तक बनाएंगे, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। एक बात मैंने गलत बता दी, आधा आधा करने के बाद हमें टोटल सिलाई 20 बनानी है, मेरे से 26 बोली गई थी। और अब हम एक फंदा उल्टा बनाने के बाद आधा आधा करने के बाद दूसरी बार फंदे को बढ़ा रहे हैं। अब हमारी सिलाई पर टोटल हमने 19 बार फंदों को बढ़ा लिया। सीधी साइड सॉरी उल्टी साइड करके 2 फंदे उल्टे और पहले की तरह अपने डिजाइन को देखते हुए एक सीधा एक उल्टा एक सीधा और एक उल्टा। इसी तरह से बनाते हुए सीधी साइड से हम एक फंदा और बढ़ाएंगे तो टोटल फंदे हमने 20 बढ़ा लेंगे। तो पहले मैं एक फंदे को और बढ़ा लेती हूँ। ध्यान रखना है टोटल सिलाई हमको 20 बनानी है, 26 नहीं बनानी। यहाँ पर मैंने 6 रो कंप्लीट कर ली हैं, 20 में से 6 रो बना ली। इसके ऊपर मेरे को टोटल 14 रो बनानी है और 14 रो पहले हम 7 रो पहला फंदा बिना बुने उतारते हुए 7 रो दोनों साइड से सीधी सीधी बनाएंगे। पहले मैं ये रो कंप्लीट कर लूं। इसी तरह से सारी रो हम सीधी बनाएंगे। यहाँ पर हमने सीधा सीधा बनाते हुए एक रो कंप्लीट कर ली है। अब हम रॉन्ग साइड से भी हमें सारा का सारा सीधा सीधा ही बनाना है और इसी तरह से बनाते हुए 7 सिलाई बनानी है। दूसरी सिलाई मैं बना रही हूँ तो 7 सिलाई पहले मैं कंप्लीट कर लेती हूँ सीधी सीधी बनाते हुए। यहाँ पर मैंने 7 सिलाई कंप्लीट कर ली हैं। जब मैंने 7 सिलाई कंप्लीट करी हैं, तो मैं अपनी रॉन्ग साइड आ गई हूँ। ये मेरी सॉक्स की रॉन्ग साइड है। अब हम यहाँ से
जब शुरू करेंगे तो शुरू में हम अपने पांच फंदों को बंद करेंगे, दो दो चार और एक पांच। आठवीं सिलाई शुरू करते समय पांच फंदों को हम बंद करेंगे, एक बंद बिल्कुल ढीला ढीला करेंगे, दो तीन चार और एक पांच। पांच फंदे कंप्लीट करने के बाद रो नंबर आठ नौ और दस बिल्कुल सीधी सीधी बनाएंगे और पांच फंदे बंद करने के बाद इस समय मेरे पास सिलाई में 39 फंदे हैं। तो पहले मैं तीन रो को कंप्लीट कर लेती हूँ, रो नंबर आठ नौ और दस। जब रो नंबर दस कंप्लीट कर लूंगी तो मैं सीधी साइड से अपनी रो नंबर 11 शुरू करूंगी। यहां पर मैंने रो नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया है और पांच सरी बन गई हैं, एक दो तीन चार और पांच। इसके ऊपर मेरे को चार सिलाई बनानी है जिसमें से दो सिलाई रो नंबर 11 और रो नंबर 13 सीधी साइड से शुरू होगी। तो हम क्या करेंगे, रो नंबर 11 में शुरू करते समय यहां से एक फंदे को हम बंद कर लेंगे, सारी सिलाई सीधी बनाएंगे, रो नंबर 11 और रो नंबर 12 दोनों सीधी सीधी बनाएंगे, फिर हम सीधी साइड से रो नंबर 13 बनाएंगे। अब मैं यहां से सीधी साइड से रो नंबर 13 बनाने लगी हूं और एक फंदे को मैं पलट दूंगी रो नंबर 13 में और ये सिलाई सारी सीधी बनाऊंगी और रो नंबर 14 मैं आपके सामने शुरू करूंगी। रो नंबर 13 मैंने कंप्लीट कर ली है, अब रॉन्ग साइड से मेरे को रो नंबर 14 और आखिरी बनानी है, रो नंबर 14 शुरू करते समय हम यहां पर अपने आठ फंदों को बंद करेंगे, एक ढीला बंद करेंगे, दो तीन चार पांच छः सात आठ। आठ फंदे बंद करने के बाद मेरे पास यहां पर सिलाई में 29 स्टिचेस रह गए हैं। अब ये रो सारी की सारी मैं सीधी बनाते हुए कंप्लीट करूंगी। तो हमने एक साइड की अपनी 20 रोज कंप्लीट कर ली हैं। यहां पर मैंने एक साइड की अपनी बूट की एक साइड की शेप पूरी कंप्लीट कर ली है और सीधी सीधी सिलाइयां 14 बनाई हैं, एक दो तीन चार पांच छ सात, सात का डबल 14। अब हमको इस साइड की अपनी जुराब की शेप बनानी है। तो पहले मैं ये सिलाई इस तरीके से खाली कर लेती हूँ। यहां से धागे को मैंने काट दिया है और अब हम यहां से टोटल रो हमें 26 बनानी है, पैर के दूसरी 20 बनानी है।
बनाने का तरीका हमारा बिल्कुल सेम रहेगा। दो फंदे सीधे बनाने के बाद एक फंदा हम यहां पर बढ़ा लेंगे और एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बनाते हुए यहां पर मेरे को तीन बार फंदा बढ़ाना है, जैसे हमने इस साइड बढ़ाया था। तो पहले मैं यहां पर भी तीन फंदों को बढ़ा लूं तो टोटल फंदे 20 बन जाएंगे। यहां पर मैंने तीन बार अपने फंदे को बढ़ा लिया है, टोटल फंदे 20 बढ़ा लिए हैं। इसके ऊपर अब मैं 6 सिलाई बिल्कुल सीधी सीधी बनाऊंगी। इस साइड हमने 8वीं सिलाई पर 5 फंदों को बंद किया था, इस साइड हम 7वीं सिलाई पर 5 फंदों को बंद करेंगे। उससे पहले हम यहां पर 6 सिलाई बिल्कुल सीधी सीधी बनाएंगे, जैसे हमने इस साइड बनाई है बिल्कुल वैसे ही पहले हम इस साइड 6 सिलाई सीधी सीधी कंप्लीट कर लेते हैं। जब 6 सिलाई बनाएंगे तो इस तरह की हमारे पास 3 सरी बनकर आएंगी। यहां पर मैंने 6 रो बिल्कुल सीधी सीधी बना ली हैं। इसके ऊपर 7वीं रो में हम 5 फंदों को बंद करेंगे। बंद हमें ढीला ढीला करना है, एक, दो, तीन, चार और 5। 5 फंदे बंद करने के बाद ये हमारी 7वीं रो है। इस रो को मिलाते हुए 7, 8, 9, 10 और 11 5 रो हम बिल्कुल सीधी सीधी बनाएंगे। फिर हम अपने रॉन्ग साइड आ जाएंगे। तो पहले मैं यहां पर 7 से लेकर रो नंबर 11 तक कंप्लीट कर लेती हूँ। यहां पर मैंने अपनी रो नंबर 11 कंप्लीट कर ली है। अब मैं रॉन्ग साइड पर हूं, ये रॉन्ग साइड है। रो नंबर 12 और रो नंबर 14 शुरू करते समय हम यहां से एक फंदे को बंद कर लेंगे। ये रो सारी की सारी कंप्लीट करूंगी। ये रो सारी बनाऊंगी और एक रो और वापसी बनाऊंगी। फिर मैं यहां पर एक फंदे को और कम करूंगी। रॉन्ग साइड से रो नंबर 14 और आखिरी सिलाई बना रही हूं। और ये सारी की सारी मैं सिलाई सीधी सीधी बनाते हुए कंप्लीट करूंगी। ये रो 14 रो हमने कंप्लीट कर ली। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 का डबल 14। अब हम यहां से अपने 8 फंदों को बंद करेंगे। बिल्कुल लूज बंद करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। 8 फंदों को बंद करने के बाद हम ये सीधी साइड से अपनी इस जुराब को इस तरह से मोड़ लेंगे और इनको हम अपना इस तरीके से
और फिर एक एक फंदा हम पलट देंगे, बस इसी तरीके, और बिल्कुल लूज बंद करेंगे हम, बिल्कुल लूज बंद करेंगे, टाइट बंद हमें नहीं करना है। फिर दोनों फंदों से इस तरह से लेते हुए और पीछे वाला फंदा हम पलट देंगे, और इसी तरह से हम पहले इन सारे फंदों को बंद करेंगे। यहां पर मैंने अपने सारे फंदों को बंद कर दिया है और धागे को भी मैंने काट दिया है। अब हम यहां से इसकी सिलाई करनी शुरू करेंगे। सिलाई करने के लिए रॉन्ग साइड को पहले बार रखेंगे, और पहले बिल्कुल किनारे से इसको पक्का कर लेंगे, और जुराब की सिलाई ऊपर से शुरू करते हुए नीचे लेकर आइए। अगर हम नीचे से शुरू करते हुए ऊपर लाएंगे तो यहां पर जरूर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा। किनारे से पक्का करने के बाद इसको हम इस तरीके से पलट लेंगे और सीधी साइड को हम बाहर निकाल लेंगे। बस अब हम दो धागे एक तरफ से ले लेंगे और दो धागे हम एक तरफ से लेते हुए पहले हम इस जुराब की इस साइड को कंप्लीट करेंगे। यहां पर हमने अपनी बूट की सिलाई बिल्कुल कंप्लीट कर ली है, बैक साइड से एड़ी का हिस्सा। अब हम यहां से कैसे इसको सिलेंगे, इसको सिलने के लिए इसको इसके साथ हम जोड़ लेंगे और इस साइड को इसके साथ हम इस तरीके से जोड़ लेंगे, और ये चीज इस तरीके से आएगी। ये हमारा अपनी शेप बन गई। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। यहां से मैं एक अंगूठे की सिलाई करनी शुरू करूंगी। बिल्कुल यहां से किनारे से बराबर करते हुए हम इसकी सिलाई करेंगे। एक स्टेप पीछे और एक स्टेप आगे लेते हुए हम इसकी सिलाई करेंगे, और जब यहां की सिलाई करनी होगी तो यहां से इसको पकड़कर बराबर करते हुए इसको ऐसे खींच लेंगे, और इसी तरीके से हम इसकी सिलाई करेंगे। जैसे हमने इस साइड की सिलाई करी है बिल्कुल वैसे ही हम अपनी इस साइड की सिलाई भी कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर सॉक्स बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। अब मैं आपको इसको पैर में डाल के दिखा रही हूँ। ये देखिए, सॉक्स बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। शेप बहुत सुंदर बनकर आई है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स जरूर करें। जल्दी ही मिलेंगे गुड्डी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।